मंगल भवन अमंगल हारी। श्री राम मुलख प्रभु जी जग सुख कारी। सुनो घटना एक और भी, इस प्रसंग में तात मुलख राज को संग ले प्रभु गए एक प्रात। पर्वत के एक शिखर पर कांगड़ा के प्रदेश लगी समाधि मुलख की, देह की सुधि न लेश। निवास वहां से दूर था, सबका चित्त उदास। अब चाले किमी गेह को इसी सोच में खास। चिंतित सबको देख कर प्रभु कहा, हे तात मुलख राज तुम उठ चलो, लाए होश निज गात। मुलख राज उठ खड़ भया प्रभु का पा आदेश। चलो प्रभु ने जब कहा, देर लाई ना लेश। भाग चला वह शिखर से उबड़ खाबड़ पाथ। ना जाने क्या होत तब, प्रभु ना होते साथ। अनुग्रह होए नाथ का, बंका होत ना बाल। सेवक खूब पहचाने, सोचे जब निज हाल। पर्वत नीचे आय कर गिरा समाधि बीच। देखी आकर नाथ जी दशा देह समीच। उसी दिशा में ले गए कृपा करके नाथ। भक्तन पर जो अनुग्रह, सेवक गाता गाथ। मुलख राज पर नाथ की कृपा का सदा हाथ। सेवक को प्रतीत यह, प्रभु मुलख के साथ। एक बार प्रभु देखा मुलख को बहुत उदास। पत्नी के देहांत पर दीना प्रभु आश्वास। पत्नी उतरी स्वर्ग से दिव्य रूप को धार। लागी कहन वह मुलख को, त्यागो शोक विचार। सुखी हूँ मैं नाथ मम, प्रभु अनुग्रह पाए। संतोष मुझे है जो तुझे, गुरु पूरण मिल पाए। बहुत अनुग्रह है भया, हम दोनों पे नाथ। लोक और परलोक का सुख तो प्रभु के हाथ। चली गई फिर लोक निज, मुलख को शीश झुकाए। शोक भया तब दूर सब, ऐसी प्रभु की दाए। प्रभु अनुग्रह से भया,
जगति योग विस्तार। इस समान ना ज्ञान है दूसर इस संसार। यह ज्ञान प्रभु जी दिया लेकर जग अवतार। भूल गया था जगत यहा शक्ति योग अपार। प्रभु बतलाया जगत को शक्ति योग महान। को शक्ति नहीं दूसरी जो हो योग समान। दीने बहु दृष्टांत उन हो जिमि जग को ज्ञान। अभ्यास व वैराग्य से शक्ति मिलत महान। उपाख्यान धृत राव का प्रभु सुनाया आप। राजा से योगी भया मिटा सकल संताप। राजपाट को छोड़ कर दे पुत्र को राज। शून्य में योग कमाया त्यागे जग के काज। देह की शक्ति से बड़ी मन की शक्ति जोय। प्राप्त किया उस भक्ति को दीर्घ काल संजोय। आत्मलाभ भी कर लिया दीर्घ काल अभ्यास। आत्मिक बल के सामने टिके न कुछ भी खास। ईश्वरीय शक्ति जानिए आत्मबल जो होए। राजा को वह मिल गई गुरु कृपा से सोए। उसी शक्ति को पाय कर भया था पूर्ण काम। शरणी आया पूत जब कीना उसका काम। सत्य बात है यह कही जिस कुल योगी होए। जो हो उसके बांधव भला सभी का होए। रघुवर राय सपूत था धृत राव का जोय। प्रास्त भयाल लाह से च्युत राज से सोए। बहुत विनय जब उस करी आए पिता के पास। दिव्य दीन आशीष उस दिव्य शक्ति भी खास। निज पिता से ग्रहण कर दिव आशीष को सोए। प्रास्त केन ललाह उस पुनः राज्य को गोए। समस्त कथा प्रसंग से दे ज्ञान यह नाथ। योग से शक्ति बढ़त है आत्मिक बल के साथ। उस शक्ति के सामने अन्य शक्तियां हीन। योग से बढ़कर शक्ति ना ज्ञान सबन को दीन। यही अनुग्रह नाथ का मानवता पर जोए।
कहा करे जो योग को, शक्ति वही संजोय। जनता ग्राहे सीख जब इस कथा से मीत, जगती का कल्याण हो करे योग से प्रीत। प्रभु के सन्मुख लक्ष्य यह हुए योग प्रचार, योग के अभ्यास से ही जनगण का उद्धार। जो भी आया शरण में लगाया मार्ग योग, जीवन उसका बन गया योग किया तज भोग। ऐसे बहुत उदाहरण जहां अनुग्रह कीन, डॉक्टर राम गोपाल प्रभु जी शरणी लीन। भटक रहा था जगत में भ्रांतिन के पड़ बीच, माटी की एक चुटकी से भया ज्ञान समीच। रहत मुरादाबाद में जाता आर्य समाज, प्रीति उसकी योग में रुचि न ले निज काज। गुरु योगी की खोज में रहता दिन व रात, पूर्ण योगी नहीं मिला थी उलझन साक्षात। नाथ सहारनपुर में ठहरे थे एक बार, सुन महिमा वह नाथ की चला चित्त कुछ धार। देखा जब उस नाथ को पंडित जैसा वेश, मुड़ चला तभी दूर से श्रद्धा भई नालेश। किस्मत में कुछ और था, लौटा मित्र साथ, प्रभु ने उसको निरख कर बिठा लिया एक हाथ। अंतर्यामी नाथ ने वह अधिकारी देख, चुटकी लेनी राख की और कीन उल्लेख। मुख में रख इस राख को, निज जा बैठो ध्यान, इच्छा तेरी पूर्ण हो करें कृपा भगवान। माटी के संकेत से प्रभु अनुग्रह कीन, सिद्ध भया वह योग में और भया प्रवीण। शिष्य भया फिर नाथ का वह डॉक्टर प्रवीण, सेवा आश्रम की करत पुस्तक लिखी नवीन। धर्म स्थापनार्थ प्रभु आवे ले अवतार, लोप धर्म का निरख कर उपदेशे आचार। भक्तों को उपदेश दें रोचक कह इतिहास, कुमुद का दृष्टांत दें
जिसमें शिक्षा खास। मात पिता की सेव है सर्वधर्म का मूल। अपनाया था कुमुद ने धर्म का यह असूल। महा अनुग्रह नाथ का दी शिक्षा यह मीत। मात पिता की सेव में रहे सदा ही चीत। बेला नारी कुमुद की पति परायण पूर्ण। बितावे धर्म कर्म में निज समय संपूर्ण। बेला के इस कर्म से शिक्षा देनी जोए। उसको नहीं जग भूले जन पाले हर कोय। दान दिए धन बढ़त है शिक्षा देनी नाथ। जीव दुखी वह होत है जिसके चित्त स्वार्थ। दान की महिमा जो कथी इस कथा में नाथ। नाथ अनुग्रह कर कहें दो धर्म एक साथ। स्वर्ग मिलत है दान से सुख जहां पर पूर्ण। जो चाहे जन सुख मिले हो दानी संपूर्ण। बेला पाया स्वर्ग को जो उसे अभिप्रेत। सुख में थी वह रह रही खिन्न कुमुद का चेत। बेला ने था कह दिया सुख मिला संपूर्ण। स्वर्ग में शांति पर नहीं इस विद सुख अपूर्ण। लौटा कुमद स्वर्ग से योग साधना हेत। जिससे उसको मिल सके मुक्ति जो अभिप्रेत। महा अनुग्रह नाथ का दिया सत्य का ज्ञान। मोक्ष योग का लक्ष्य है यतन करें यह जान। गति धर्म की गहन है इसमें ना संदेह। नीर क्षीर विलग किया प्रभु ने बिन संदेह। महा अनुग्रह नाथ का गहें सत्य का पक्ष। जग को जिमी प्रतीत हो सत्य धर्म का लक्ष्य। घटन कहूं एक नाथ की मिले सत्य का ज्ञान। माया बाधक ना बने प्रभु जीवन में जान। प्रभु जीवन की घटन यह लाकर सुनिए ध्यान। भक्तों के प्रभु संग में थे निज बैठे स्थान। था गोपालानंद भी प्रभु चरणों में लीन।
उदंडी ने एक आकर अपशब्द कह दीन। उस शब्द को श्रवण कर चित सबन के रोष बैठे प्रभु गंभीर थे, गिने लेश ना दोष। उसको तो अभिमान था निज शक्ति का मीत, गोपाल पर ना सह सका रोष भया उस चीत। ताड़ दिया उस सिद्ध को जिमी हो उसको बोध, अच्छा लगा ना नाथ को उसकी ना जो क्रोध। दोष भक्त का देख कर कीन अनुग्रह नाथ, दोष जिमी वह दूर हो और मिले सतपाथ। क्रोध कीन गोपाल ने दंड दिया तब नाथ, दूर रहो तुम जाय कर रहो न हमरे साथ। दंड भी एक अनुग्रह गुरुजनों का जान, दंड से ही तो होत है शिष्यन का कल्याण। दंड पाए ना शिष्य यदि दोष किमी हो दूर, उसके सदा ही मन में रहे गुरूर जरूर। इसमें एक रहस्य भी जाने जो भगवान, एक संस्कारी भक्त का था हो ना कल्याण। निज मग पैथा जा रहा ध्यान मग्न गोपाल, मग में उसको मिल गया एक महंत उस काल। निरखा उस गोपाल पर तेज विशेष महान, कहन लगा महंत तब तब को गुरु सुजान। गोपाल महिमा दी कथ प्रभु जी की उस पास, इच्छा उस मन उपजी आया प्रभु के पास। था संस्कारी पुरुष वह मिला ध्यान का दान, कीन अनुग्रह नाथ जी भक्ति कीन प्रदान। करें भक्ति प्रदान जब करें दोष भी दूर, अहंकार का दोष तो प्रभु को ना मंजूर। महंत में बहु दोष था अहम भाव का मीत, दंडित उसको प्रभु किया एक विलक्षण रीत। आया अवसर कुंभ का प्रभु जी गए प्रयाग, बाल कृष्ण महंत तब गया प्रभु पगलाग। गंगा तट पर जब गए कीना नाव विहार,
नाविक भक्त अनन्य था, प्रभु चरणों में प्यार। श्री प्रभु राम लाल जी की जय, शरणम श्री सद्गुरुदेव जी की जय, शरणम।